केवल। और मैं एक सवाल जरूर पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो लोग पूरे देश के अंदर कैंडल मार्च निकालते हैं, अवार्ड वापसी करते हैं उन घटनाओं पर, और आज दिल्ली के मुख्यमंत्री जिनको 55 किलोमीटर दूर अखलाक दिखता है लेकिन 5 किलोमीटर दूर रिंकू शर्मा नहीं दिखता, जिनको अंकित शर्मा नहीं दिखता है, जिनको ध्रुव त्यागी नहीं दिखता है, जिनको डॉक्टर नारंग नहीं दिखते हैं, आज अरविंद केजरीवाल जो मौन साधे हैं, चुप्पी साधे हैं, उनको भी जनता देख रही है और जवाब देगी जनता। आगे सवाल जी साथ से, रिंकू शर्मा की शहादत हुई, एक राम भक्त की शहादत हुई है, ये किसी ने बुलाया नहीं है, ये रिंकू शर्मा के बलिदान से एक राम भक्त के बलिदान की स्वतः यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं। आप क्या नाम है आपका? मनु शर्मा। मनु क्या हुआ था, क्या बताएंगे? ये रात में भैया को मारने सारे डंडे वगैरह लेके आए थे, रात में इन्होंने पहले भैया को डंडों से मारा, हमें भी मारा, मम्मी पापा तक को मारा मेरे, और फिर भैया को बाद में इन्होंने बाहर निकाल के चाकू मार दिया, और इन्होंने इमरजेंसी में भी मारा मेरे भाई को, चाकू खींचा, चांटे भी मारे, ताजू नाम है उनका, उन्होंने मारा, लाली और नाटू है और चिंगू है और इस्लाम है, ये सारी इनकी पूरी फैमिली थी पांचों की, इन्होंने सबने मिल के मारा मेरे भाई को। झगड़ा हम पहले हमने जो बीच में अभी एक रैली निकाली थी राम मंदिर के, उसमें तो इस चक्कर में थोड़ी अनबन हुई थी उनसे बहुत, वो 4-5 महीने पहले, तो उसी की दुश्मनी को लेके हमारे पीछे पड़े हुए थे जब से, तो इन्होंने हमें पहले भी बोला था कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, और कल मेरे भाई को मार दिया। झगड़ा हुआ था किसी की पार्टी वार्टी में, बर्थडे पार्टी में? कल किसी का झगड़ा नहीं हुआ था। क्या करते थे भाई आपके? लैब टेक्नीशियन थे बालाजी हॉस्पिटल में। और बीजेपी से भी जुड़े हुए? हाँ, बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं और संघ से भी जुड़े हुए हैं।